सो हाई गाइज, वेलकम टू द चैनल। एंड इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट MBBS एब्रॉड। ओके, लाइक शुड यू चूज MBBS एब्रॉड, आपको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना चाहिए जब आप MBBS एब्रॉड के लिए जा रहे हो, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर द कंट्री दैट यू आर चूजिंग, यू नीड टू हैव अ थॉरो रिसर्च अबाउट इट। आपको सब कुछ पता होना चाहिए बेसिकली कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये सब एडवांटेजेस हैं, ये सब डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब प्रोज हैं, ये सब कॉन्स हैं। मतलब सबसे गंदे स्टेज में भी अगर मतलब ऐसा हो जाए तो ये सब हो सकता है, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एक कहानी है, ठीक है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप किससे सुन रहे हैं, तो उस हिसाब से आप वो कहानी को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो MBBS एब्रॉड भी एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इट्स ऑल्सो लाइक अ स्टोरी, तो इसके भी बहुत सारे पहलू होते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट हो गया MBBS एब्रॉड वाला स्टूडेंट, या फिर एक एजेंट हो गया जो आपको MBBS एब्रॉड भेज रहा है, या फिर वो बच्चे हो गए जो इंडिया में MBBS कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका जो इंटरप्रिटेशन है MBBS एब्रॉड के बारे में, वो सबका अलग अलग है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पहलू को चूज करते हैं, ठीक है। सो कमिंग इन टू द वीडियो, द फर्स्ट थिंग दैट आई विल टेल यू इज MBBS एब्रॉड को आप इंडिया के कॉलेजेस से कंपेयर मत करें, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोगों का NEET नहीं हुआ है, तो हम लोग MBBS एब्रॉड चूज कर रहे हैं, तो वी आर सेटलिंग फॉर समथिंग लोअर देन NEET। सो द कॉलेजेस जो MBBS एब्रॉड के लिए हैं वो उतने अच्छे नहीं है इंडिया के कॉलेजेस या फिर क्लिनिकल्स अगर आप देखो तो, ठीक है। बट ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम देखें कि अब 2023 है, ठीक है, नेक्स्ट भी आ जाएगा। सो द थिंग इज वो प्लेटफॉर्म सेम हो जाएगा जो इंडिया में पढ़ रहे हैं और हम जो बाहर से MBBS अब्रॉड से MBBS करके आ रहे हैं, क्योंकि सबको एट द एंड नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना ही है, ठीक है, अगर लाइसेंस चाहिए इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर मतलब फैक्टर है कि प्लेटफॉर्म इक्वलाइज हो रहा है। बट ऑब्वियसली अगर आप NEET देने जा रहे हैं रिसेंटली सितंबर 12 को, तो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि मैं NEET में अच्छा करूं या कर अच्छा मतलब करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेजर चैप्टर्स भी हैं जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सब आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए 11 12th में अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो, ठीक है, ये सब तो होना ही चाहिए। बट आप NEET को प्रेफरेंस दो कि इंडिया में कॉलेज हो जाए। अगर नहीं होता है तो आपका सेकेंडरी कुछ होना चाहिए ताकि आप अपना सपना है अगर डॉक्टर बनने का वो पूरा कर सको। ऐसा कोई खिल्लस ना हो दिल के अंदर कि हाँ मेरा मन था डॉक्टर होने का फ्यूचर में और मैं हो नहीं सका, ठीक है। तो MBBS अब्रॉड इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आपका इंडिया में NEET नहीं होता है तो। और बेसिकली इसमें दो कैटेगरी के बच्चे आते हैं, ठीक है। पहला, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ठीक ठाक हो रहा है, एक बार ट्राई कर लिया और अच्छे खासे मार्क्स हो रहे हैं, कुछ नंबर से रह रहे हैं, तो वो लोग MBBS अब्रॉड कंसिडर ना करो। तुम लोग और एक चांस लेके आराम से, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ठीक ठाक हो रहा है, कुछ ही मार्क्स से रह रहे हो, यू कैन गो फॉर अनदर ट्राई ऑफ NEET UG। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका बायो बहुत अच्छा होता है, 360 में से 300 के ऊपर बायो में ला रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट है डॉक्टर बनने के लिए, बट उनका फिजिक्स मतलब पूरा मतलब सुन है, मतलब ठीक है। होता है बहुत बच्चों का मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बायो बस पढ़ना है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जिनका बायो अच्छा है, फिजिक्स अच्छा नहीं है, तो वो लोग मतलब MBBS अब्रॉड के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यू आर पैशनेट टू बी अ डॉक्टर। और एंड गोल आपका ना NEET UG नहीं है, एंड गोल है NEET PG, ठीक है। मतलब MBBS कर रहे हो बिना PG के तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और NEET PG में बस बायो से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पूरा पेपर विल बी बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ठीक है, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप MBBS अब्रॉड से कर रहे हो और यू आर पैशनेट टू बी अ डॉक्टर और आप हार्ड वर्क कर सक रहे हो उतना, तो आप आराम से NEET UG में आके भी फोड़ सकते हो, आराम से अच्छा सीट निकाल सकते हो, सर्जरी हो, इंटरनल मेडिसिन हो, जो कुछ भी आपको चाहिए उसमें आप अच्छा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जिसको बायो पसंद है और जिसका बायो अच्छा हो रहा है। सो इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू जो कि MBBS अब्रॉड मतलब के लिए जाओ। और एक चीज़ ये है कि अभी अगर आपको एडमिशन चाहिए MBBS इन फिलीपींस में, ठीक है, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। और ये टॉप मतलब पहले 5 या 6 स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे से कंसल्ट करोगे, मतलब मैं उनका सब कुछ गाइड करूंगा, कैसे क्या मतलब क्या सीन है सब कुछ मतलब बताऊंगा। आपको पता है मैं MBBS फिलीपींस से कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प से।
बट वो बस 5 या 6 जनों के लिए है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और आप मेरे को डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको एक बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा सरप्राइज है मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये बस टॉप 5 या 6 स्टूडेंट जो मेरे को पहले कंसल्ट करेंगे उनको ही मिलेगा। इससे मतलब 7 तो होगा ही नहीं, बस 6 बच्चों को ही मिलेगा। तो मेरे को जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कर लेना सेप्टेम्बर 12 के बाद, बिकॉज सेप्टेम्बर 14 या 15 इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट। उसके बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 बच्चे तो ऑलरेडी नाम लिख चुके हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो जा रहे हैं जिनका मोटिव है कि बस डिग्री चाहिए, तो यार आप जा सकते हो डिग्री के लिए। बहुत कॉलेजेस हैं जो पैसे लेके मतलब आपका पास कर देते हैं। ये सब मैंने मेनली MBBS यूक्रेन और रशिया में सुना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, ठीक है। तो आप जो कंट्री चूज़ कर रहे हो अच्छे से चूज़ करो। यू कैन गो फॉर नेपाल या फिर बांग्लादेश, जिनका बजट मेनली 50 लाख तक एक्सटेंड हो जाता है। बट दीज आर द कॉलेजेस जिनका करिकुलम इंडिया से बहुत सेम है, ठीक है। और अगर आपको लो प्राइस पॉइंट पे चाहिए, यू कैन गो फॉर MBBS इन फिलीपींस। कोई गंदा ऑप्शन नहीं है इसका। FMG पासिंग भी आपको पता हो 45 से 50% है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, लाइक इट कम्स इन द फर्स्ट जिसका MCI पासिंग रेशियो इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो आप MBBS इन फिलीपींस भी कंसिडर कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप डिग्री के लिए जा रहे हो तो मतलब इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान वाली बात ही है। आपको डिग्री तो मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आके FMG या फिर नेक्स्ट जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो क्या होगा उस डिग्री का, मतलब आप एग्ज़ाम देते रहोगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी जा रहा है MBBS अब्रॉड, कोई मोटिव लेके जाए कि हाँ मेरे को बायो पसंद है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को अच्छे से पढ़ना है, ये सब, ठीक है। और इसके बाद मतलब पढ़ाई देखो तो अच्छा है, पढ़ाई इज़ एट पार, बट आप जब प्रिपेयर करोगे मतलब नीट UG के लिए, नेक्स्ट के लिए, FMG के लिए, ठीक है, इन सब के लिए आप जब प्रिपेयर करोगे कोई स्पेशल कोचिंग नहीं मिलता है, भले ही वो इंडिया के कॉलेज में हो या बाहर कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, जैसे मैरो हो गया, प्रेपलेटर हो गया, भाटिया हो गया, आप किसी पे भी जा सकते हो, अनअकैडमी हो गया। मैं खुद मैरो से मतलब मैरो का सब्सक्रिप्शन ले रखा है 1 साल का, और मैं खुद उससे प्रिपेयर कर रहा हूँ मतलब एग्जाम्स के लिए भी, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, और नीट UG के लिए भी, या फिर अगर मैं प्लेब देता हूँ उसके लिए भी, ठीक है। तो ये लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। और MBBS अब्रॉड मतलब जो मेन चीज़ आप दिमाग में रखो, एक बार उस टॉप जिस कॉलेज में भी जा रहे हो ये आप चेक कर लो कि वो WHO अप्रूव्ड और NMC अप्रूव्ड है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस फिलीपींस में है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प, ठीक है। तो इसमें अगर आप पढ़ रहे हो आप प्लेब दे सकते हो, USMLE दे सकते हो, बिकॉज इट इज़ WHO अप्रूव्ड, GMC अप्रूव्ड, तो आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना कॉलेज जाने से, चूज़ करने से पहले। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप रशिया या यूक्रेन जाओ, मतलब मेरे हिसाब से, माई ओपिनियन, क्योंकि मेरे जितने दोस्त हैं, मेरा जितना उनसे बात हुआ है, वो बोलते हैं कि करप्शन बहुत होता है बहुत सारे स्टेट ओन्ड कॉलेजेस में, और वहाँ पे भी मतलब ऐसा सीन है कि पैसे देके पास हो रहे हो, ऐसा है बहुत सारा। पैसे नहीं देखो तो टीचर पास नहीं करता है, ठीक है। ये मोस्टली सीन फिलीपींस में नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हो फिर तो अलग सीन है। और MBBS अब्रॉड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैज़ टू बी सेल्फ स्टडी। MBBS अब्रॉड के जो कॉलेजेस हैं द स्टडी इज़ एट पार विथ इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, बट द थिंग इज़ आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नीट PG क्रैक करना है, प्लेब क्रैक करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, IELTS का एग्जाम देना पड़ेगा, प्लेब 1, प्लेब 2, नीट PG सारे एग्जाम्स देके क्रैक करना है। तो द सेल्फ स्टडी स्टैंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लिनिकल के साथ आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला, मैरो हो, प्रेपलेडर हो, कहीं से भी प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, गेट द क्लिनिकल नॉलेज दैट यू कैन, और आप जितना कर सकते हो। वैसे भी इंडिया में आके 1 साल इंटर्नशिप करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ बिछड़ जाओगे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट से, यू विल बी एट पार विद देम ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। मेरा ये नंबर 5 बजे शाम के बाद एक्टिव रहेगा, यू कैन कॉल मी, ठीक है, कोई भी डिटेल्स के लिए। और जैसे कि मैंने बोला, मेरे को रिक्वेस्ट मत करना, बस 5 या 6 बच्चों के लिए ये है, और मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। मेरे को कॉल करना, मैं आपको बता दूंगा क्या सीन है, कैसा, हाउ विल इट वर्क आउट, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। थैंक यू।